वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका चैप्टर 16 जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का नाम पढ़ते ही हमें क्या समझ में आता है कि हमें किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है पहले कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इनका मैनेजमेंट कैसे करा जाए। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए नेचुरल वर्ड इज सिमिलर टू नेचर, वो सभी चीज़ें, वो सभी संसाधन, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, जो हमें नेचर से मिले हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और उन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करें हम फॉर आर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और ट्रीज़, वाटर, ये सभी, एयर, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। इन सभी चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कोल या फिर पेट्रोलियम की, तो इनसे हमें क्या मिल रही है, इनसे हमें एनर्जी मिल रही है अपने ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के ये अंदर आते हैं और ये सब हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब कि नेचर के अंदर ही हमारे प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये हमारे बनते हैं। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आ रही है, क्यों हमें पढ़ना है ये चैप्टर। ठीक है, बात ये क्वेश्चन ये उठता है, देखिए जो हमें चीज़ें नेचर ने दी थी, ह्यूमंस जब से डेवलप होते चले गए, हमने इवोल्यूशन पढ़ा, तो ह्यूमंस जब से डेवलप होते चले गए, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस नेचर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब इन्होंने इस नेचर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करा, तो अब क्या कंडीशन आ चुकी है कि हमें अब ये चैप्टर इंक्लूड करना पड़ रहा है कि हमें अब इस नेचर को बचाना है। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि इस चैप्टर को सिर्फ एक चैप्टर की तरह मत पढ़िएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, इस चैप्टर को आप मतलब समझिएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जो वाकई में एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको ज़्यादा समझना है। ठीक है, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसानी से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बट ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम अभी तक हम फेस कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा वो बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज बता दिए, अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि वाटर का क्या है, कोल पेट्रोलियम का क्या है, वाइल्ड लाइफ का क्या है, सब चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हम। पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, और यहाँ पर मैं इंडिया की बात करता हूँ स्पेशली। देखिए इंडिया के आपको पता होगा कि एक होली रिवर है इंडिया की, जिसे हम बोलते हैं गंगा। ठीक है, गंगा को हिंदुइज्म में क्या बोला जाता है, माँ बोला जाता है, माता बोला जाता है। ठीक है, गंगा माँ, तो जो रिवर है, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, और 1985 में हमारा क्या हुआ था कि जो गंगा है उनका जो वाटर है वो चेक करा गया था, और वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का वाटर गंगा के अंदर निकला था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक एक्शन प्लान गंगा के ऊपर चला, और जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान लिया, गंगा एक्शन प्लान, जिसमें हमारा क्या था कि गंगा की सफाई करने के लिए अभियान चला। ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने, आपको पता होगा कि जो गंगा है, जो नदी है, वो हमारे हिमाचल से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से निकलते हुए ये हमारी लास्ट में जाती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो आप इसका जो पूरा रूट देखेंगे वो काफ़ी लंबा एक रूट होता है। ठीक है, गंगा नदी का, तो अब इतने लंबे, ऑलमोस्ट 2500 समथिंग किलोमीटर्स, इतना रूट हमारा गंगा नदी का होता है। तो अब क्या क्या दिक्कत आ रही है कि जब वो इतना लंबा रूट तय करते हुए बे ऑफ बंगाल तक पहुँचती है गंगा, तो क्या होता है कि बीच में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम इस नदी को, जिसे हम इतना होली मानते हैं, जिसे हम माँ मानते हैं, उसके अंदर हम ढेरों कचरा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉर्पसेस, मतलब कि लाशें, ठीक है, वो डाल दी जाती हैं, एशेज, जो मतलब आपने देखा होगा कि अस्थियां जिन्हें हम बोलते हैं, वो गंगा के अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, और ये तो चलिए ह्यूमन, जो अभी मतलब नॉर्मल पब्लिक कर रही है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़, वो अपना वेस्ट भी गंगा के अंदर डाल देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर रिवर है इंडिया की। ठीक है, अब ये सारा जो भी डिब्रीज हैं वो गंगा के अंदर जब भी जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेट कॉज क्या होता है इसकी वजह से, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो एक्वेटिक लाइफ है गंगा की, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जितनी भी मछलियाँ हैं, जितने भी टर्टल्स हैं, वो गंगा नदी के अंदर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ गए थे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने गंगा, जिसे इतना होली रिवर माना गया, उस पर हमने बहुत ज़्यादा गंदा कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हमें टैकल करना है।
और देखिए, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो जिसे हम बोलते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। ये जनरली ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर हमारा मिलता है, और ये अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये शो करता है कि जो वाटर है वो कितना कंटामिनेटेड है, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि वाटर जो है वो आपका कंटामिनेटेड है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने साइंटिस्ट ने जब इन्होंने चेक करा गंगा की क्वालिटी को चेक करा, तो इन्होंने गंगोत्री से बे ऑफ बंगाल तक देखा कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी क्वांटिटी किस जगह पर सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो ये आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ शो कर रखा है, तो वही मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बट ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस वाली एक्सिस पर दे रखा है टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो एक्सिस है इस पर आपको डिफरेंट प्लेसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आपका एक रूट बढ़ता जाएगा गंगा का, ऋषिकेश से डायमंड हार्बर तक, तो क्या होगा कि उसके अंदर कंटामिनेशन बढ़ता चला जाएगा। और कंटामिनेशन क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बीच में इतने सारे जो भी स्टेट्स हमारे पड़ते हैं वो सभी अपने जो इंडस्ट्रीज पड़ती हैं वो सभी अपना जो वेस्ट है वो इसी होली रिवर के अंदर वो डाल देती हैं। तो ये जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम ये हमारा शो कर रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना कंटामिनेशन गंगा के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये डू यू नो जो आपका है बॉक्स, उसे मैं रीड करूँगा। तो गंगा रन्स इट्स कोर्स ओवर 2,500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमाचल टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। इट इज़ बींग टर्न इन ड्रेन बाई मोर देन 100 टाउन एंड सिटीज इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल दैट पोर देयर गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इन टू इट। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इन टू दी गंगा एवरी डे। इन एडिशन थिंक ऑफ द पॉल्यूशन कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, इमर्शन ऑफ एशेज और अनबर्न्ड कॉर्पसेस, ठीक है, जो जलाई नहीं जाती। अनबर्न्ड कॉर्पसेस का मतलब यहाँ पर है जो लाशें जलाई नहीं जाती उन्हें भी बहा दिया जाता है गंगा के अंदर, ठीक है। और बाकी जो इंडस्ट्री वेस्ट है वो, इन सब से क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है गंगा की वो हमारी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जो हमारी चीज़ें हैं वो तो बिगड़ चुकी हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम जो वाटर की क्वालिटी है हम उसे चेक कर सकते हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हम पीएच है, पीएच को हम आसानी से चेक कर सकते हैं वाटर की। तो हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने पीएच को यहाँ पर चेक करा डिफरेंट जगह पर, ठीक है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो क्वालिटी है वो चेक करी गई, और काफ़ी अभियान जो चलाए गए गंगा को साफ करने के लिए, ठीक है। और बीच में आप देखते हैं इस पर, ये एक ऐसा टॉपिक है गंगा की सफाई जो ऑलमोस्ट हर बार पॉलिटिक्स का एक इशू रहता है, पॉलिटिकल इशू एक हर बार रहता है, ठीक है। डिफरेंट पार्टीज इसी को लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा उनका होता है, क्यों, क्योंकि एक हिंदुइज्म में एक होली रिवर है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल की। ये हमारा 3R थ्योरी है। अभी हमने प्रॉब्लम सारी हमने डिस्कस करी, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, 3R थ्योरी, 3R थ्योरी, ठीक है। तो 3R थ्योरी के अंदर आपको क्या बताना है, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रिसाइकल और तीसरा है रीयूज, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि रिड्यूस। तो रिड्यूस किस चीज़ को करना है आपका, आपको जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उन्हें आपको क्या कर देना है, उन्हें आपको कम कर देना है, मिनिमाइज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपके घर में 5 लाइटें जल रही हैं, 6 लाइटें जल रही हैं, तो 5 की जगह अगर आपका काम चल सकता है तो आप 2 लाइटें जला लीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी किसी रूम में फ़ैन अननेसेसरली चल रहा है तो उसे आप बंद कर सकते हैं। अगर कोई बाहर टैप वाटर है और वो अननेसेसरली ऑन है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम जो रिड्यूस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिससे हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है रिसाइकल। रिसाइकल के अंदर हम क्या करेंगे, रिसाइकल के अंदर अगर हमने कोई भी चीज़ ली है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्लास्टिक है, ठीक है, तो वो प्लास्टिक हम क्या करेंगे, हम उसे ले लेंगे प्लास्टिक को, उसे डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म करके हम कुछ नया बना देंगे, ठीक है। तो हम पेपर, प्लास्टिक और मेटल्स, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। बट रिसाइकल करने के लिए आपको पहले जो वेस्ट है उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे प्लास्टिक, अगर मैं, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होता है, वो क्यों करा जाता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो क्या कर दिया जाएगा, उसका तो बायोडिग्रेडेशन करके ख़त्म कर दिया जाएगा, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करा जाएगा, उसे रिसाइकल करने की कोशिश करी जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम सिटीज़ में आपने देखा होगा कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है हमारी रीयूज़ की, और ये बेस्ट
बेस्ट मेथड है, इवन रिसाइकल से भी बेस्ट है। क्यों रिसाइकल से बेस्ट है? क्योंकि रिसाइकल के अंदर आपने देखा था कि इस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसे क्या करना होगा, आपको रिफॉर्म करना होगा, और रिफॉर्म में कुछ ना कुछ जो पॉल्यूशन है वो कॉज होगा, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को रिफॉर्म करना है। बट अगर मैं बात करूँ रीयूज़ की, तो रीयूज़ के अंदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए कोई पुरानी प्लास्टिक बॉटल है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप एज अ पेन होल्डर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके जो जैम के बॉटल्स हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लास्टिक पेंट की आपकी बकेट है, उसे आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप जैम की बॉटल्स को या पिकल की बॉटल को अगर आप किचन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को एक तरह से बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी क्या बचती है, आपकी जो मनी है वहाँ यहाँ पर वो भी बचेगा, ठीक है, आपकी पॉकेट पर उतना लोड भी नहीं पड़ेगा। तो ये विनर विन विन सिचुएशन है दोनों केसेस में। तो ये हमारा 3R थ्योरी थी, और काफ़ी बेस्ट थ्योरी ये रही, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को कह सकते हैं आपकी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कि अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी लाएं, उससे भी हमारे एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक आप कह सकते हैं आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके अंदर क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि आपको डेवलपमेंट तो करना है, ठीक है, आपको डेवलपमेंट करना है। ऑब्वियसली बात है, हर हर शहर को, हर देश को अपना क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं है हम दोबारा से जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर रहने लगे, ठीक है, नॉर्मल जहाँ से मतलब हम उठकर आए हैं वहीं पर चले जाएँ, ऐसा नहीं है। हमें डेवलपमेंट करना है, बट डेवलपमेंट करना है विद नेचर, ठीक है, विद द मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हार्म पहुंचाकर नेचर को, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए नेचर ही नहीं रहा तो इस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हमें डेफिनेशन बताऊँ तो समझ में आया कि हमें डेवलपमेंट करना है विदाउट कॉजिंग और विद मिनिमम कॉजेज टू द नेचर, ठीक है। तो कॉजिंग हार्म टू नेचर, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका डिस्कस करूंगा 16.1, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। थैंक यू। तो देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है 16.1, और 16.1 टॉपिक के अंदर हम एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उन्हें हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम उन्हें मैनेज करें, क्यों हम उन्हें कंजर्व करें, क्या ज़रूरत है? अगर पानी है तो है, तो क्या ज़रूरत है कंजर्व करने की, है सब कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसके अंदर हम क्वेश्चन को, इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि कोई भी चीज़ इस धरती पर है, कोई भी चीज़ इस अर्थ पर है, वो कहीं स्पेस से तो आ नहीं रही है, एक्सेप्ट क्या, सनलाइट, ठीक है। तो सब चीज़ें इसी धरती पर प्रेजेंट हैं। अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, आपने रोड्स बनाई हैं, ठीक है, आपने कुछ भी बनाया है ए टू जेड, ठीक है, वो सब यहाँ जो टॉयज़ बनाए, बुक्स बनाए, सब कुछ हमारे इस अर्थ पर ही प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जो आज चीज़ें बन पाई हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। अब इस अर्थ पर प्रेजेंट था मतलब कि क्या था, नेचर में प्रेजेंट था, नेचर में प्रेजेंट था मतलब कि कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्स था। और अगर आपने चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बनाई हैं और आप उन्हें कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सच एज अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप एक ट्रिमेंडस रेट पर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, हर जगह सिर्फ जंगल की जगह क्या हो जाएंगे, ह्यूमन सोसाइटीज़ बन जाएंगी। तो ये इसीलिए ये एक अलार्मिंग हमारी सिचुएशन है, वेकअप सिचुएशन है, कि वेकअप कॉल है हमारे लिए कि हमें यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें यहाँ पर इसलिए कंजर्व करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, बट एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए नहीं करना, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस हमें एक दो साल के लिए करना है फिर सही, नहीं, हमें यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चलना है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कंजर्व करेंगे, ठीक है। उनमें से एक मैंने जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट आपको बताया था वो भी एक तरीका है, क्योंकि आने वाली जनरेशंस भी उस चीज़ को दोबारा से फेस ना करें, ऐसा कुछ हमारा एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि साथ के साथ देख रहे हैं आप कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है,
ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या है, एक ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस मतलब कि बहुत अधिकतम लेवल पर एक्सपोनेंशियल रेट से क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। और जब जितने ज़्यादा इंसान रहेंगे उन्हें उतनी ज़्यादा रहने की जगह चाहिए, उन्हें उतना ही ज़्यादा उन्हें खाना चाहिए। अब उन्हें खाना, रहने की जगह चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे तो कुछ जगह उनकी सोसाइटीज़ बन जाएंगी जहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर देंगे, कुछ जगह क्या बनेगा, जो पेड़ काट करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या शो करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस भाई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही है ना, और हमारी पॉपुलेशन एक ट्रिमेंडस रेट से बढ़ रही है, तो इसीलिए हमें, और हम और इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमें इन्हें क्या है, हमें इन्हें कंजर्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है कि हम इन्हें कैसे कंजर्व करेंगे, वो हम अगले टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके 16.2 टॉपिक की, और ये टॉपिक है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कैसे, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो मेजरली हमारी कहाँ रह रही है, फॉरेस्ट के अंदर ही रह रही है, ठीक है। और शहरों में तो रह नहीं रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस इस इन फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, इन फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, ठीक है, इनका भी डिस्ट्रॉय होना तय है। तो जो आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है कि वेरिएशंस, ठीक है। तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में जो वेरिएशंस आती हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई, फन, फ्लावरिंग प्लांट, नेमेटोड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सभी हमारे क्या मिलकर के बनाती हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये सारी बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होती है, फॉरेस्ट में। इसलिए फॉरेस्ट क्या है, हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब कि आप बोल सकते हैं केंद्र, केंद्र हिंदी में बोलते हैं केंद्र, ठीक है, केंद्र बिंदु है इन सभी चीज़ों की। तो ये इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें कंजर्व करना है तो हमें फॉरेस्ट को बचाना ही होगा, क्योंकि फॉरेस्ट का लॉस हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपका 16.2.1 टॉपिक आता है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स वो हैं जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, जैसे कि उसके बिना उनका काम नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ अभी यहाँ पर टॉपिक चल रहा है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर ही हमारा सब टॉपिक है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स ये हमारे किस पर डिपेंड होंगे, स्टेक होल्डर्स हमारे डिपेंड होंगे फॉरेस्ट पर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको चार टाइप के हमारे स्टेक होल्डर्स दिखते हैं मेजरली, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, चार टाइप आपको स्टेक होल्डर्स दिखते हैं। उसमें आपको सबसे पहले दिखते हैं ह्यूमंस या फिर पीपल्स, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये ह्यूमंस वो ह्यूमंस हैं, ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही ह्यूमंस होंगे, ये कोई जानवर तो नहीं चला रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ये ह्यूमंस वो ह्यूमंस हैं जो बेसिकली आदिवासी आप जिन्हें कह सकते हैं, जो बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। वो अपने डेली दिनचर्या के लिए, डेली रूटीन के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो अभी भी बहुत ज़्यादा गाँव विलेजेस में लोग रहते हैं, वो कई जगह पर अभी भी जो गैसेस की सप्लाई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो लकड़ियाँ फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं, वो बेसिक मेडिसिन के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, वो फ्रूट्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो वो लोग हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, एज ए स्टेक होल्डर ही हमारे एक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी हमारा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जो वुड नहीं मिलेगी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा, ठीक है, वो भी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा कंप्लीटली स्टेक होल्डर्स की तरह एक्ट करता है, फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट जो हमारे इसके अंदर आता है वो है हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है।
इंडस्ट्रियल लिस्ट की हिंदी मुझे याद है, इंडस्ट्रियल लिस्ट की हिंदी को हम बोलते हैं उद्योगपति, ठीक है। तो उद्योगपति जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आप बोल सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो वो भी हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, वो भी हमारे इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मान लीजिए कोई फर्नीचर की इंडस्ट्री है, वो भी हमारी वुड फर्नीचर है, तो अगर अल्टीमेटली हमारा फॉरेस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर कोई पेपर इंडस्ट्री है तो वो भी हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। रबर इंडस्ट्री है, वो भी हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंड करेगी। तो डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज भी हमारी एज अ स्टेक होल्डर एक्ट करके फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद बात आती है लास्ट में वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। वाइल्ड लाइफ या फिर नेचर एंथुसिएस्ट की, नेचर एंथुसिएस्ट, ये आपने वर्ड नया सुना होगा। नेचर एंथुसिएस्ट वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नेचर एज इट इज़ रहे, उसे कोई हार्म ना पहुंचे, और वाइल्ड लाइफ तो आपको पता ही है। ये सभी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये सभी चीज़ें हमारी फॉरेस्ट पर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पर क्या देखा हमने कि ये सारी चीज़ें तो हैं और ये सब इन पर डिपेंड भी कर रही हैं, बट अब हमें क्या करना है, जो जिस ट्रमेंडस रेट से फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, अब हमें क्या करना है, बचाना है, ठीक है। आपने देखा जो पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ कैसे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कैसे डिपेंड करती है। तो अभी एक बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो ह्यूमंस हैं या ये जो पीपल हैं जो फॉरेस्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जो भी आप विलेजर्स बोल सकते हैं, तो क्या ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट को? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखेंगे बैक ऑफ द टाइम जाकर कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ों के आने से पहले का जो समय था, तब लोग फॉरेस्ट के आसपास ही रहते थे, वहीं से वो सारी जितने भी उनके मेडिसिनल यूजेस थे, वो अपनी ज़रूरतें वहीं से पूरी करते थे। उसके बाद ट्रीज़ की जो बोल सकते हैं वुड है, वो यूज़ करते थे फॉर फायरिंग। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस उस टाइम पर भी यूज़ कर रहे थे, बट जब से ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने आके जितना भी फॉरेस्ट था उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। जो लोकल पीपल थे उनके उन्हें क्या कर उन्हें अलाउ नहीं करा कि वो चीज़ें वहाँ पर ले सकें। उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हो चुका था, ठीक है, वो जिसे चाहे वो देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट करा फॉरेस्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से जो हालत है फॉरेस्ट की वो आज कुछ ऐसी हो चुकी है। अब देखिए 16.2.2 टॉपिक जो है आपका, वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, तो अभी आपको टॉपिक मुझे डिटेल में डिस्कस करना है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर देखिए क्या चीज़ें हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, बट हमें क्या करना है, उस चीज़ को हमें मैनेज भी करना है, ठीक है। अब ये आप सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोल दो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दो, ठीक है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज भी करना है और उसी के साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी करना है, सस्टेन करते हुए। सस्टेन का मतलब होता है कि उस चीज़ को रखते हुए, और सस्टेन क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट के लिए जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्रीज़ को काटते चले जाते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट को जब वो पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो क्या उनके लिए चीज़ें ख़त्म हो गई? नहीं, वो नेक्स्ट फॉरेस्ट पर मूव कर जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे वो कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे करके जो हमारा पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वो ख़त्म हो चुका होता है। बट अगर मैं बात करूँ पीपल्स की, जो लोकल पीपल हैं वो क्या करते हैं, क्या उनसे भी जो ख़तरा है? तो देखिए लोकल पीपल जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि पेड़ों पे पेड़ काटते चले जाएंगे। इनका काम क्या रहता है कि इन्होंने कुछ लीव्स ले ली, थोड़ी बहुत स्टिक्स ले ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हार्म नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो फॉरेस्ट है वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है। अगर आपने थोड़ी बहुत टहनियाँ तोड़ भी ली प्लांट की, तो जो ट्री है वो क्या कर लेगा, वो नई टहनियाँ ले आएगा। बट अगर आप उस ट्री को बिल्कुल रूट से ही अगर आप उसे ख़त्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्री ग्रो ही नहीं हो पाएगा या ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि ये एक सस्टेनेबली मैनेज कर रहे थे लोकल पीपल, बट इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे, वो कम्प्लीटली एक एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, जैसे कि फॉरेस्ट को। तो 1970s की बात है, अर्ली 1970s की बात है, क्या हुआ कि हिमाचल में एक हमारा गांव पड़ता है, विलेज पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है रेनी, ठीक है, और जो कि हमारा गरवाल, यहाँ पर वो पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विलेज है इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हमारी यहाँ पर हुई। क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्टर थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कंस्ट्रक्टर थे, जो कटिंग करते थे ट्रीज़ की,
वो कटिंग करने आए एक टाइम पर, और वहाँ पर उन्होंने एक लेडी को देखा, और वो लेडी वहीं की लोकल पीपल थी, ठीक है, वो यूज़ करते थे उन फॉरेस्ट को। तो उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने कटिंग करनी स्टार्ट कर दी प्लांट्स की, ठीक है, ट्रीज़ की। तो उन्होंने उस लेडी ने क्या करा, उसने उस ट्री को जा करके हग कर लिया, ठीक है, मतलब गले लगा लिया, और उसने कहा कि अगर आपको ये पेड़ काटना है तो पहले आपको मुझे काटना होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये बहुत ही छोटे लेवल से, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से ये हमारी चीज़ उठी, और जो लोकल पीपल थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना स्टार्ट करा, इस चीज़ को अपोज़ करा कि आप इस लेवल से, इस ट्रेमेंडियस रेट से आप प्लांट्स, आप जो फॉरेस्ट है उसे हार्म नहीं पहुँचा सकते। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बात ऊपर तक गई, ऊपर तक जाने पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी इस चीज़ पर एक चीज़ देखी, और उन्होंने भी इस चीज़ को दोबारा सोचने की उन्हें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और एक हमारा ये, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, चिपको किससे, चिपको प्लांट से, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है जो हमारा चला था, जिसके अंदर लोकल पीपल नहीं, आगे उन्होंने स्टैंड लेकर के उन्होंने जो फॉरेस्ट है उन्हें आप कह सकते हैं कंजर्व करने के लिए अपना एक स्टेप आगे लिया था, ठीक है। अभी तक तो हम बात करें सिर्फ वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट अगर हार्म हो जाता है या लोकल पीपल को हार्म होगा, उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, बट फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो जाते हैं तो और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमारा आता है क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन एक फिनोमेना होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो वो सॉइल इरोड हो जाएगी, इरोड मतलब कि वो बह जाएगी सॉइल, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, होल्ड ऑन करके रखती हैं सॉइल को, पकड़ के रखती हैं, ठीक है। और अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो उनकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, सॉइल वो बह जाएगी, और वैसे भी उसकी क्वालिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को बना के रखते हैं प्लांट्स, ठीक है, लेते हैं तो बना कर भी रखते हैं, बट अगर वो ही नहीं रहेंगे तो बिल्कुल जो सॉइल है वो बंजर हो जाएगी और वो बिल्कुल बेकार हो चुकी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट सॉइल पर भी आता है, दूसरा इफेक्ट हमारा वाटर पर भी है, ठीक है, कि अगर जंगल हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा वाटर पर भी आता है, ठीक है। तो जो हमारे लोकल पीपल्स थे, इनका बहुत ही एक अच्छा रोल रहा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर। तो इसके अलावा आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बुक के अंदर दे रखा है वेस्ट बंगाल का। तो देखिए क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में अराउंड 1972 के अराउंड क्या हुआ था, 1972 वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्या हुआ कि जो वहाँ का लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके और लोकल पीपल के बीच में क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, झगड़े होने लगे जो उनके फॉरेस्ट को लेकर के, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करता था लोकल पीपल को वहाँ से उनकी चीज़ें लेने के लिए, और लोकल पीपल कहते थे कि ये हमारा हक है, हम यहीं पर रहते हुए आए हैं तो हमें क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेज होने लगे थे लोकल पीपल और जो फॉरेस्ट ऑफिशल्स थे उनके बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो डिपार्टमेंट है उसे अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ा, ठीक है। और चेंज करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो वहीं के एक विलेजर थे, जो उन्हीं के मिदनापोर डिस्ट्रिक्ट के हमारे एक विलेजर थे, पोर डिस्ट्रिक्ट के हमारे क्या थे, एक विलेजर थे ए के बैनर्जी, ठीक है, ए के बैनर्जी, ए के बैनर्जी, इन्हें क्या बना दिया गया, इन्हें वहां का जो ऑफिसर है उन्हें वहाँ पे, इन्हें यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, इन्हें बना दिया गया, ठीक है। और इन्हें क्यों बनाया गया, क्योंकि ये एक विलेजर थे, ठीक है, ये विलेजर थे, तो इन्हें क्या करा गया कि आपकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो विलेजर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इस फॉरेस्ट में, और इन्हें जिम्मा दिया गया कि ये हमारा 1272 हेक्टेयर्स का जो बैडली डिग्रेडेड डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट, ठीक है, साल एक हमारा ट्री होता है, इसका जो फॉरेस्ट है उसे आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर के इसकी देखभाल करनी है, इसे देखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हें एक बैनर्जी को एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई, तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ और अप्लाई करी, ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी फॉरेस्ट के अंदर जो भी होंगी उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोकल पीपल को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोकल पीपल ने इस चीज़ को, इस बात को माना कि ठीक है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हें लोकल पीपल को अलाउड होगा फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ लेना, बट विद अ नॉमिनल फ़ी, ठीक है, बहुत कम अमाउंट की फ़ी उन्हें पे करनी पड़ेगी, और वो फॉरेस्ट से जो भी उनका सामान है, वुड है, वो ले सकते हैं।
ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी जो थी वो भी इस चीज़ पर, इस प्रस्ताव पर वो राज़ी हो गई, ठीक है, और दोनों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कम्युनिटी के बीच में हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं आप कोएलिशन देखने को मिला, और दोनों ने साथ मिलकर फॉरेस्ट के लिए काम करा, ठीक है। इसके जब दोनों ने साथ मिलकर के काम करा तो एक बहुत ही रिमार्केबल यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, जो कि पहले जो फॉरेस्ट जिसका कोई भी कीमत नहीं थी, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो चुका था, बाद में वही फॉरेस्ट हमारा 12.5 करोड़ उसकी वैल्यू हो चुकी थी, 12.5, 12.5 करोड़ उसकी वैल्यू हो चुकी थी, जिसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 0, ठीक है। तो ये हमारा बोल सकते हैं आप कि एक हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जब गवर्नमेंट और लोकल पीपल साथ मिलकर के काम करते हैं तो हमारा क्या एक चेंज आता है, ठीक है। तो बहुत ही एक रिमार्केबल और बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। तो अब आपका टॉपिक है 16.3, वाटर फॉर ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है वो नेसेसिटी है, चाहे वो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो। एक्वेटिक तो हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डिपेंड है वाटर पर, और जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो भी पार्शली डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। अब यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस हमारे कैसे डिपेंड कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है क्या। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आप देख सकते हैं कि चाहे ह्यूमंस हों या फिर अदर एनिमल्स हों, मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए उन्हें वाटर ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि किस लिए ज़रूरी है वाटर, ठीक है। तो वेस्ट भी इससे रिमूव होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी मेंटेन रहता है। तो इसके बाद अब इसके ऊपर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं वाटर के ऊपर, तो देखिए जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं वाटर को, वो हमारे केमिकल पॉल्यूशन जो कि हमारा निकल रहा है जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन भी हमारा एक मेजर कॉज है वाटर लेवल डाउन होने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा केमिकल पोल्यूशन तो है ही, ठीक है। उसके बाद जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं वाटर, ठीक है, एक्सेसिव वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो वाटर को हमारे वाटर लेवल को कम करती जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि जो इरिगेशन मेथड्स हैं जिनमें हमारा डैम डैम की हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है डैम, क्यों डैम बनाना हमारा ज़रूरी है। तो देखिए डैम में हम क्या करते हैं, डैम में हम एक काफ़ी बड़ा एक वॉल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर को स्टोर करा जाता है, और उसे स्टोर करा जाता है ताकि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। हमने पढ़ा होगा जब भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी वाटर या जो टैंक है जो हम रूफ पर रखते हैं उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो डैम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की वो फिर किसके ऊपर गिरता है, वो एक स्टिरर के ऊपर गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी फॉर्म होती है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे जो नॉर्मल यूजेज हैं यूज़ है उसमें हमारी हेल्प करती है, उसमें हमारे यूज़ में आ जाती है। तो इसलिए हमें डैम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बट डैम बनाने के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स दे रखा है डू यू नो, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, ये एक बॉक्स है जिसमें बात करी गई है कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये कुल्स इन हिमाचल प्रदेश में क्या था कि लोकल वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, कैनाल इरिगेशन सिस्टम उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था। वाटर लेवल डाउन जाने की वजह से वहाँ के लोकल जो पीपल थे उन्होंने क्या करा, कैनाल इरिगेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप करा अपना खुद का, और आज से अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स अगो, ठीक है, 400 साल पहले की ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो वाटर था वो इन्हीं स्ट्रीम्स के थ्रू विलेज में आता था, ठीक है, और वो जो वहाँ के विलेज के लोग थे वो क्या करते थे, दो तीन लोगों को अपॉइंट कर देते थे और उनका काम होता था इन्हें कुल्स को मेंटेन करना, ठीक है, इन कुल्स को मेंटेन करना, और बदले में जितने भी विलेजर्स थे वो सब उन्हें पे करते थे, ठीक है। फिर बाद में जो इरिगेशन डेवलपमेंट है उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट उन्होंने इसे कुल्स को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो ये हमारा कुल्स इन हिमाचल प्रदेश की बात थी। इसके बाद मैंने डैम का आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, ठीक है। डैम में अब आपको डिटेल में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आई। ये चैप्टर आपको खुद वैसे पढ़ने का है, ठीक है, डिटेल में अगर आप खुद रीड करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। जितना जो मेरा पार्ट है वो मैं प्ले यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मेरा समझाने का पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद जो डैम वाला पार्ट है, डैम मैंने आपको बता दिया कि हमें क्यों डैम की हमें ज़रूरत है, ठीक है, और उससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, इसलिए हमें डैम की ज़रूरत है। बट अगर हम डैम बना रहे हैं, ठीक है, तो डैम में हमें दिक्कत क्या आती है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। उससे पहले मैं एक इंसिडेंसेस बता देता हूँ कि तिहरी डैम जो हमारी बनी थी गंगा रिवर पर, इसका लोगों ने बहुत अपोज़ करा था, ठीक है, और अपोज़ क्यों करा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारी दूसरा हमारा स्टार्ट हुआ था नर्मदा बचाओ, आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा रिवर के ऊपर ये हमारा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सरदार सरोवर डैम को और ज़्यादा वाइड करना और उसकी जो हाइट है उसे भी इंक्रीज करना था और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करना था, ठीक है। तो अब जो वहाँ के लोग थे वो इन चीज़ों का अपोज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोग क्यों अपोज़ करेंगे, मतलब अगर हमें इससे एनर्जी मिल रही है तो अच्छी बात है, क्यों अपोज़ कर रहे थे लोग? तो देखिए, रीज़न इसके पीछे हमारे तीन रीज़न थे कि क्यों लोग इन चीज़ों को अपोज़ कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट रीजन आता है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स, तो सोशल प्रॉब्लम्स हमारी उस टाइम पर क्या थी कि जो भी हमारे डैम्स बन रहे थे इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया था जो भी हमारे वहाँ के पीजेंट, छोटे मोटे जो भी आप ब्रोकर्स बोल सकते हैं, ट्राइबल्स थे, उन सभी को क्या था कि उन्हें डिस्प्लेस कर दिया था उनकी जगह से, ठीक है, और उन्हें कोई एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंसेशन भी नहीं दिया था बदले में, जिसे हम हिंदी में शायद मुआवजा बोलते हैं ना, तो वो भी इन्हें नहीं मिला था। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो गई थी जो एक तरह से एक हर्डल बन रही थी डैम्स के फॉर्मेशन में या फिर उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आता है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी ये जो इमर्ज हुई वो किस लिए हुई, क्योंकि देखिए पब्लिक डैम कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो बना नहीं रहा है अपने पैसे से, वो जो बन रही है वो गवर्नमेंट पे कर रही है उसके लिए, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया है, जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे, इट मीन्स कि पब्लिक के पैसे से ये डैम बन रही है। तो पब्लिक की जो पैसा था वो ऐसा लग रहा था लोगों को कि उसका मिसयूज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा उससे कोई बेनिफिट आ नहीं रहा था, ठीक है, उस टाइम पर। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी वहाँ पर क्रिएट हो गई। तीसरा जो पॉइंट था वो था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, हमारा थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकती है डैम बनने की वजह से, अगर आपको देखिए डैम बनाना है तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए पहले डैम बनाने के लिए, और डैम बनाने के लिए एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, और अल्टीमेट सी बात है अगर आप डीफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होना तय है, ठीक है। और अगर आप इतनी जो सारा पानी है आप उसे एक जगह स्टोर करेंगे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं जो रनिंग वाटर में वो ग्रो करती हैं, वो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर नहीं ग्रो कर पाएंगी, तो एक्वेटिक एज वेल एज जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, दोनों ही यहां पर इफेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये हमारा इसके बाद हो गया। उसके बाद आपकी बुक के अंदर दे रखा था आउट सीज ऑफ द तवा डैम बिल्ट इन 1970 आर स्टिल फाइटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर प्रॉमिस्ड। जो ये हमारी प्रॉब्लम थी कि लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बदले में उन्हें कोई कंसेशन भी अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो हमारी तवा डैम थी वो उसके जो कंसेप्ट कंपेंसेशन जो लोगों को मिला नहीं, ठीक है, वो मिलना था लोगों को 1970 से अभी तक लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी लोग ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो वादे कर देती है बट कंपेंसेशन नहीं मिलता लोगों को। और इसमें एक प्रॉब्लम बड़ी ये भी आ रही थी कि जैसे अगर मान लीजिए इस जगह पर डैम बन रहा है, ठीक है, तो डैम के आसपास की जो फार्मर्स थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, उन्हें तो बहुत जिस क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है उन्हें तो वो क्रॉप ग्रो करनी पड़ती थी, और जो बहुत दूर के बेचारे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्हें तो वाटर मिल ही नहीं पाता था क्योंकि सारा पानी एक जगह स्टोर है, तो उन्हें क्या उनकी या तो क्रॉप ग्रो होती नहीं थी, और अगर होती थी तो बहुत थोड़ी होती थी, ठीक है। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी डैम्स के बनने की वजह से, जिसका लोगों ने बहुत अपोज भी करा। 16.3.2 वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पर हमें पहले ही देखते हैं। तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो रेन वाटर होता है आपको उसे स्टोर करके रखना है ताकि जब भी आपकी ज़रूरत पड़े आप उस वाटर को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें स्टोर क्यों करना है, क्या नीड है हमें स्टोर करने की। तो देखिए पहला इसमें जो नीड आती है, पहला इसमें जो पॉइंट है नीड में टू स्टोर वाटर, इसमें सबसे पहले बात है कि ये हमारा रिड्यूस कर देता है सॉइल इरोजन को।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बहुत तेज़ और काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है, ठीक है, और वेजिटेशन तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दी है, और मान लीजिए सिंपल जो है सॉइल है यहाँ पर और बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, तो ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, यहाँ से बहनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कटाव, ठीक है। तो वो क्या करेगी, बह करके एक तरफ चली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो नीड है इसकी वो क्या है कि ये ऑल्सो इट ऑल्सो रिड्यूसेज अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग को भी ये हमारी रोकती है। अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर अपने घरों के अंदर स्टोर कर लेंगे या फिर जो भी हमने टैंक्स बनाए उनके अंदर स्टोर कर लेंगे, तो जो एक अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन आती है, जो भी शहर है उनके अंदर पानी भर जाता है, वो कंडीशन हम अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ से। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारा कंटामिनेशन है, हम कंटामिनेशन ऑफ वाटर को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उस वाटर को स्टोर कर लिया तो हम क्या कर लेंगे, उसे उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कंटा ने क्या कर दिया, जो हमारी अर्बन फ्लड थी हमने उसे भी कह सकते हैं प्रिवेंट कर दिया, सॉइल इरोजन को भी हमने प्रिवेंट कर दिया। ये सारी हमारी क्या हो गई, नीड हो गई। इसके बाद बात आती है कि हम वाटर को कैसे स्टोर करें। तो देखिए, वाटर को स्टोर करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कलेक्शन। आप क्या करेंगे, जब भी रेन होगी तो रेन होने के बाद आपको वाटर को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। किसी भी पाइप्स के थ्रू आपको वाटर को, या तो रूफ़ पर या कहीं भी, आपको वाटर को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद वो वाटर फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी की फिल्ट्रेशन चाहिए, आपको उसे पानी स्टोर करना है, उसे पानी को इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है, तो आपको बस एक वैसे ही फिल्टर करना है। उसके बाद क्या है, आपको पानी को स्टोर करने कर लेना है, वाटर को स्टोर कर लेना है। तो ये हमारी वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको नीड बता दी, क्या ज़रूरत है, कैसे करा जाएगा, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो देखिए इंडिया में कोई आज से ये वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया में काफ़ी टाइम पहले से ये वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, और आप अपनी बुक से भी एग्जांपल्स पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है खादिन्स का, ठीक है। खादिन्स जो हैं ये हमारे राजस्थान में बेसिकली पाए जाते हैं, और ये क्या है, हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके वाटर को हार्वेस्ट करना ही है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, टैंक्स बना सकते हैं, हम राजस्थान में टैंक्स भी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टैंक्स बना लेते हैं, उनके अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, नंदीज़ बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ये आपके क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट में कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर खादिन्स टैंक नंदीज़ बनते हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र में हमारे बांध रस और ताल्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एमपी और यूपी के अंदर आपके बुंदिस ये बनते हैं, बिहार के अंदर आपके अहर्स और पाइनीज बनते हैं, हिमाचल प्रदेश जो अभी हम पढ़कर ही आए हैं क्या बनता है, कुल्स बनते हैं, कुल्स बनते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद पोंड्स कहाँ पर बनते हैं, जम्मू में बनते हैं। उसके बाद टैंक्स या फिर एरिस हमारे तमिलनाडु में बनते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग में हमारा मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी बुक के अंदर शो कर रखा है स्ट्रक्चर, उसमें आप खादिन्स के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ वेजिटेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ वेजिटेशन है, और यहाँ पर मान लीजिए रेन होगी, ठीक है। तो रेन होने के बाद क्या होगा कि वाटर हमारा यहाँ पे यहाँ से क्या करेगा, स्लोप के थ्रू नीचे जाएगा, और अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं होगी तो ये जो मिट्टी है इसे क्या कर देगा, इरोड कर देगा। बट हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक वॉल बना दी, एक यहाँ पर हमने वॉल बना दी। इस वॉल ने क्या करा, उस वाटर को यहीं पर रोक लिया, ठीक है। और यहाँ पर वाटर रोकने की वजह से फिर वाटर क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ग्राउंड के अंदर, ठीक है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा वाटर यहाँ पर डिफ्यूज़ कर जाएगा। अब यहाँ पर वाटर जो है वो नेचुरली फिल्टर हो रहा है, क्योंकि वो मिट्टी जो सॉइल है उसके थ्रू वो आ रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है। तो जितने भी वेस्ट बोल सकते हैं आप, वो ऊपर ही रह जाएगा और प्योर वाटर हमारा अंदर चला
चला जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनके यहाँ के एरियाज़ का जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी लो हो चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गई, बेंगलोर, इन सभी जो सिटीज़ हैं इनमें क्या होने वाला है कुछ आने वाले टाइम में, कि जो वाटर स्कैरिसिटी है अभी भी है खैर, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरिसिटी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, बट वाटर लेवल उस लेवल का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वेजिटेशन भी नहीं है ऐसी जगह पर। ठीक है, तो ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग था, और आपके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऐसे वाटर को स्टोर करने के लिए आपके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, और इन्हीं के अंदर आपका जो पहला बेनिफिट आता है कि आपका जो वाटर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो जो रिचार्ज है वेल्स का या फिर कुओं का या जो भी नेचुरल बॉडीज़ हैं उनका बहुत अच्छे से यहाँ पर रिचार्ज हो जाता है। ये ओपन ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करता मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए घर के अंदर अगर आप बंद करके वाटर को स्टोर कर रहे हैं, ऊपर से कवर करके अगर आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं टैंक्स में, तो वहाँ पर मॉस्किटो हमारे ब्रीड नहीं करेंगे, बट अगर वाटर बाहर है तो वहाँ पर ब्रीडिंग हो जाएगी। तो ये ऐसे भी इफ़िशेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या, और इसके अंदर जो बाकी जो हमारे डैम्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सोशल प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, वो यहाँ पर हमारी देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं देखने को मिलेंगी जो डैम्स में आ रही थी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। 16.4 कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपको टॉपिक है, और इसके अंदर हम देखेंगे, हमने वाटर की बात कर ली, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की बात कर ली, फॉरेस्ट की, अब हमें बात करनी है कोल एंड पेट्रोलियम की। तो कोल एंड पेट्रोलियम ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये दोनों ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, तो ये दोनों ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इन्हीं से ही हम इन्हें बर्न करके हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत ये है कि ये सभी हमारे डिग्रेडेशन ऑफ द बायोमास से ये हमारे फॉर्म होते हैं। इट मीन्स कि इनका जो रिजर्वायर है वो एक लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है, काफ़ी टाइम बाद, बहुत हज़ारों साल के बाद डिग्रेड होने के बाद ये हमारे कोल और पेट्रोलियम ये बनते हैं। ठीक है, और जिस एक्सटेंसिव रेट पर ये हमारे डिग्रेड हो रहे हैं उससे हमारा क्या नहीं होगा, उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर हमारा कॉज है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉज है वो क्या है कि जो भी हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो वही है कि एनर्जी डिफिशियंट तो होंगे ही, बट जिस रेट से ये यूज़ हो रहे हैं उसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब भी हम इन्हें बर्न करते हैं, ठीक है, तो इनका इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कई बार क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी रिलीज़ होती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी क्या होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, और पॉइजनस होने की वजह से ये बाकी जो एनवायरनमेंट है उसे हमारा हार्म करती है। ठीक है, और हमारी उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैस हमारा क्या करती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा इफेक्ट है उसे भी हमारा क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो अल्टीमेटली अगर, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम रिजर्वायर जो हमारा कार्बन का है वो हमारा इन्हीं कोल के अंदर प्रेजेंट है, और अगर हमने कार्बन को कोल से निकाल करके CO2 के अंदर भेज दिया तो जो ये गैस है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही इंक्रीज़ करेगी ये क्या कॉज कर देगी, ग्लोबल वार्मिंग को ये हमारा कॉज करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे इस कोल और पेट्रोलियम की वजह से हो सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक है, जिन्हें चेंजेस को ला करके हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक लिमिट में यूज़ कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए रेड लाइट पर थोड़ी देर आप वेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर आप जो अपनी कार है उसे आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, फालतू में आप उसे ऑन करके रखें और आपका पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, तो उससे बढ़िया आप उसे क्या कर दें, थोड़ी देर के लिए आप बंद करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी छोटी चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। फिर आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, चार पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट उसमें यह है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे या फिर कार पूलिंग करेंगे। कार पूलिंग का मतलब होता है कि बाकी लोगों के साथ एक बस में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि आप बल्ब का यूज़ करेंगे या फिर आप एक फ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे या फिर स्टेयर्स का यूज़ करेंगे। लिफ्ट चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके लिए ये डिग्रेड हो रहे हैं, तो आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे या स्टेयर्स का यूज़ करेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, ठीक है, विंटर टाइम है, तो आप विंटर टाइम में एक और स्वेटर पहनना पसंद करेंगे या फिर हीटर चलाना पसंद करेंगे। हीटर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इन्हीं के डिग्रेडेशन से। तो ये सभी जो
डिसाइड करना है या आपको करना है कि आपको अपने डेली लाइफ के अंदर चेंजेस लाने हैं और एनवायरनमेंट को कुछ हार्म होने से बचाना है या फिर आपको एनवायरनमेंट को बाकियों की तरह हार्म करना है, ठीक है। और इन्हीं चेंजेस को ला करके हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम का, ठीक है। इसी के अलावा जो हमारा ये कोल एंड पेट्रोलियम है ये हमारे मशीन्स के अंदर भी यूज़ कर होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं उन्हें हम मोर इफ़िशेंट बना सकते हैं। मोर इफ़िशेंट बनाने का मतलब क्या है कि उनकी इफ़िशेंसी बढ़ाना, कि अगर पहले मान लीजिए बहुत सारा अमाउंट ऑफ कोल और पेट्रोलियम यूज़ करके वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, तो अब एटलीस्ट इतना उनका कर दिया जाए कि जितना कोल और पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली उसी के हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी दें। तो इसलिए हमें मशीन्स को क्या करना है, इफिशियंट बनाना है, ठीक है। और इन्हीं सभी को चीज़ें करके हमारा कोल और पेट्रोलियम का मैनेजमेंट हो सकता है। 16.5 लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, और इसके अंदर हम क्या करना है, अब हमें कंक्लूजन करना है और एक हमें मतलब क्या करना है, एक ओथ लेनी है आप कह सकते हैं, कि यहाँ पर हमने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट को फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स हैं आप देख सकते हैं कि काऊ जो है वो गाड़ियों में तो नहीं घूम रही, गाड़ी चला के तो नहीं जा रही है, ठीक है, वो तो कोई एयर पॉल्यूशन कॉज कर नहीं रही है, ठीक है। डॉग्स जो हैं वो तो हमारा वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ है जो इतना ज़्यादा हार्म कर रही है एनवायरनमेंट को, वो है ह्यूमंस, वी ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जो ह्यूमंस हैं ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अब क्योंकि आप जो हैं वो आगे जाकर पढ़ाई करेंगे और आप आने वाली जनरेशन है आप और हम, तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को समझना है, इस प्रॉब्लम को समझना है और हमें इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है। सिर्फ ये चैप्टर पढ़ करके यहीं पर ख़त्म नहीं कर देना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इस चीज़ इस प्रॉब्लम को हमें टैकल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें अगर हम और आप भी मतलबी हो जाएंगे, ठीक है, सेल्फिश हो जाएंगे और सिर्फ जो जितना हमें डिग्रेड करना है वो हमें डिग्रेड करेंगे, तो एक आने वाला टाइम वो आएगा जिस टाइम पर ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट का यूज़ करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं, बट विद अ लिमिटेड मैनर, ठीक है। वो एक लिमिट के अंदर हमें उन चीज़ों को यूज़ करना है और उन्हें यूज़ करने के साथ साथ हमें उन्हें क्या देना है, उन्हें टाइम भी देना है ताकि वो रिप्लेनिश कर सकें, दोबारा से वो ग्रो कर सकें, ठीक है। और अगर हम वो टाइम उन्हें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना, सिर्फ आज के लिए हमें नहीं जीना, सिर्फ आज की जनरेशन के लिए नहीं जीना, हमें जो आने वाले 10, 20 और 100 सालों में जो आने वाली जनरेशन है हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं छोड़ के करके जाना है, ठीक है, इस लाइफ इस अर्थ को बेटर बनाना है। तो यही इस पूरे चैप्टर का थीम था और इस ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसे बुक से भी रीड कर सकते हैं, बट जो मैंने बातें बताई वही इस चैप्टर के अंदर दे रखा है और ये बातों से ज़्यादा आप इस चीज़ को अगर रियलाइज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।